गुड मॉर्निंग टेंसी। लिसन बच्चे, आप आज पेपर डिस्कस करांगे, ठीक है? कल तो फिर आप बहुत अच्छा करांगे, जड़े साडे नवे रहिंदे सीगे, ठीक है? वो वाले आप करांगे, राइट? सो सेट ए और सेट बी, काफी बच्चों को थोड़ा पता लग गया होना कि कितने थोड़ी गलती है तो कितने नहीं है, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम उन्होंने थोड़ा फोर इंप्रूव कर लियो, ओके? राइट, सो जिहड़ियां तुहाड़ियां गलतियां होणगियां उन्हों देख लियो, ठीक है? क्योंकि काफी बच्चों दी गलतियां सी क्वेश्चन पेपर दे विच, एमसीक्यूज है, लाइटली नहीं लैना इन्हों बेटा, कि एमसीक्यूज है तो तुसी लाइटली ले लो, ठीक है? और कुछ इंस्ट्रक्शंस के जदों तुसी हुण तुहाडा पीटी वन होएगा, और सॉरी टर्म वन होएगा, ठीक है? ओहदे लई बहुत ध्यान दे नाल पढ़ना है, जो थोड़ियां बहुतियां मिसटेक्स तुहाडियां ने उन्होंने इंप्रूव करियो, राइट? ऑप्शंस उन्होंने बहुत थॉरली पढ़े। मैं तुम्हें पहला भी कहा सीगा कि एमसीक्यूज ने, तो इन्होंने थॉरली पढ़ो, ये नहीं कि तुसी गैस लगा के चले जाओ, थोड़ा वाला क्वेश्चन ठीक है, वाला ठीक है, क्लियर है? और सेकेंडली थोड़ी इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होएगी, मोस्ट प्रोबेबली थानू मंडे तक मैसेज आ जाएगा थोड़े ग्रुप विच, ओहदे विच टॉपिक दिते जाणगे दो या तीन, तुसी ओहदे उत्ते बोलना है, ठीक है? या तुसी जदों तुसी क्लास विच आओगे उदो बोल दो, नहीं तो तुसी अपनी वीडियो बना के भेज दियो। और इनू सीरियसली लेना है, ये नहीं सोचना कि ये मार्क्स नहीं लगने, बिकॉज थोड़े ये नंबर ऐड होने नहीं, ठीक है? और नोटबुक तो थोड़ी सब दी चेक है, ठीक है? तो थोड़ा जिहा ध्यान आप इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी वाल भी देना है, और बहुत अच्छे तरीके नाल तुसी प्रिपेयर करनी है। जिहड़ी पहला थोड़ी सी एक्टिविटी, ठीक है, वो जिहड़ा तुसी लिखिया सीगा, एक असाइनमेंट तैयार कीती सी, उहनू भी अपने कोल रखो। जिहड़े दो तीन बच्चे ने हाले तक सबमिट नहीं करवाई वो भी करवाओ, बिकॉज ओहदे भी नंबर थोड़े ऐड होने ने, ठीक है? सो सीरियस हो जाओ इनू लैके, ठीक है? सो पहला आपां पेपर करते हाँ डिस्कस सेट ए, क्लियर है? बिकॉज कल थोड़ी पीटीएम है, जिहदा जिथे डाउट है वो अज ही क्लियर कर लो कि इहदा की आंसर आना चाहिए सी, ठीक है? और किदा आंसर आना चाहिए सी, राइट? लगेगा कल स्कूल भी है और उस तो बाद विच पीटीएम है, तुहाडे मैम ने पाया होना सारे दा सारा ना शेड्यूल पाया होना पूरा, राइट? सो सेट ए फर्स्ट क्वेश्चन अनडिठा पैरा। कुछ बच्चे की करते ने अनडिठा पैरा नु बस गैस लगा दे तो उन्होंने, पर पहला तुहानू 15 मिनट रीडिंग ही मिलते हैं ना, तो तुसी पहला रीडिंग करो, ठीक है? रीडिंग करो उस तो बाद विच आंसर दो, ठीक है? पहाड़ी चित्रकला विच केड़ी चित्रकला वधेरे प्रफुल्लित हुई है? तो सी ऑप्शन कांगड़े दी, ठीक है? हार्दिक केड़ा सेट सी तुहाडा बी, ओके, राइट? ए ऑप्शन वाले ध्यान नाल सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन सी, ठीक है? ईडी ऑप्शन, राइट? सेकंड, पहाड़ी चित्रकला विच किस चीज नु रंगा द्वारा चित्रया गया है, ठीक है? ईडी ऑप्शन, हर तरह के राग नु, सेकंड दा भी ईडी ऑप्शन, ठीक है? देन प्रमुख कला कृतियां केहड़ियां हन, एदा डी ऑप्शन, थर्ड दा कृष्ण लीला ते रागमाला, ठीक है? डी। नेक्स्ट फोर्थ, हर राग किमें प्रकाशमान होया है? डी ऑप्शन, निवेकले रंग ते प्रतिभा विच, ठीक है? फोर्थ दा डी ऑप्शन। फिफ्थ, पैरेदार ढुकवा सिरलेख चुनो, पूरा पढ़ना सी ओहदे ते बेस्ड सिरलेख, तुहानू पता ही है एप्रोप्रिएट टाइटल के जिस उत्ते पूरे दा पूरा पैरा बेस्ड हुंदा है, सो आंसर इज पहाड़ी चित्रकला, सी ऑप्शन, ठीक है? उस तो बाद विच दोबारा अनडिठा पैरा सी, मनुख दी शख्सियत नू कौन प्रगटाउंदा है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, सी ऑप्शन, बोल बाणी, ठीक है? सेवंथ, जानवर अपनिया भावनावां दा किवें संचार करदे हन? सी ऑप्शन, आवाजां ते हरकतां द्वारा, ठीक है? सैवंथ दा सी। नेक्स्ट, मनुख अपने आप नूं हल्का फुल्का कदों महसूस करदा है? एट, बी ऑप्शन, ऐड़ा, विचारां दा आदान प्रदान करके, ठीक है? मानसिक तनाव दा शिकार किहो जिहे लोक हुंदे ने? बहुत चुप रहण वाले, राइट? पूरा ऑप्शन आएगा, क्योंकि जड़ा बंदा मेंटली डिस्टर्ब हुंदा है वो क्यों हुंदा है? क्योंकि वो बहुत देर तक चुप रहता, वो किसी नाल भी अपनी फीलिंग्स नू एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी दस नहीं सकता फीलिंग्स नू। कुदरत वालों मनुख नू मिलिया तोहफा केड़ा है? डी ऑप्शन, ठीक है? काफी बच्चे उड़ा ऑप्शन लिख रहे ने, बट एदा डी आएगा, टेंथ दा डी आएगा, गलबात करन दी योग्यता, ठीक है? पहले तो दसवीं तक अगर किसी की ऑप्शन रह गई हो
दस दे हाथ खड़ा कर दियो, मैं दोबारा बोल दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एदे विच बेटा मोस्टली बच्चों का सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि देखो सी तुसी बस एक देख लिया कि अगे लगा हुआ है ऐसा मजदूरों की झाकी वेख। ठीक है, ओदे अगे देखो ऐदा लग्या होया है, सो ओ तां होएगा नहीं, कभी भी काव टुकड़ी दे विच क्लियर कट आंसर होएगा ही नहीं होएगा। तुहानू पहलां भी दस्या होया है मीनिंग ओदे अंदर छुपया हुंदा, पहलां उहनू प्रॉपरली पढ़ो। सो ए जिहड़ी काव टुकड़ी है उत्ते बेस्ड सीगी जदों शाहजहां ने ताजमहल बनवाया सीगा। ठीक है, ते ओने मजदूरां ते बहुत ज्यादा जुलम कीते सीगे, तां ओने फिर अपनी बेगम दे लई ताजमहल याद विच बनवाया सी। ठीक है, सो 11th मजदूरां प्रति मालक दा रवैया किहो जिहा सी, जबर जुलम वाला। ठीक है, एड़ा ऑप्शन। नेक्स्ट वाला ए गलत होया काफी बच्चों का, कवि दी रूह क्यों कुरलाई, बेकसूरां ते जुलम हुंदा वेख के, डी ऑप्शन। काफी बच्चे लिख रहे ने मजदूरां दी चाकी वेख के, क्योंकि वह थोड़ी थर्ड लाइन लिखी हुई है, सो उन्होंने ही नहीं पिक करना सीगा, सो डी ऑप्शन आएगा, बेकसूरां ते जुलम हुंदा वेख। नेक्स्ट 13th दा, पिंडिया उत्ते चाड़ी जान सलाटा तो की भाव है, कई बच्चे लिख रहे ने बोरियां, कई बच्चे लिख रहे ने इटा, सो सी आना सी एदा लासा। ठीक है, सलाटा का मतलब होंगे लासा, सस्से पैर बिंदी नहीं है, लाश नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट 14, किसी इमारत की बाहरी सुंदरता बारे कवि का की भाव है, छलावा। छलावा मीनस आपा बाहरली सुंदरता नूं देख के ही उन्हों सोहनी नहीं कह देना, जिस तरह ताजमहल है उन्हों बाहरों देख के नहीं कहना, बट उन्हों बनाने दे विच किन्ना मजदूरां ते जुल्म होया उन्हों देखना है आपा। अगे सार्थक निरार्थक शब्दां वाला समासी शब्द चुनो, सचमुच। ठीक है, मुच निरार्थक है, सार्थक ही है सच। नेक्स्ट ग्रैमर, ग्रैमर ईजी सी बट बच्चों ने किया, उन्होंने बहु अर्थक जड़े शब्द से उन्होंने गलत कर दिया, बहु अर्थक की आप कि प्रैक्टिस की हार्दिक। ठीक है, सही समासी शब्द की चोण करो, 16, ऐड़ा ऑप्शन, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट 17, पिन पिन अर्थ रखदा समासी शब्द चुनो, मी हनेरी, पूरा ऑप्शन। चिड़ियाघर केड़े शब्दों के सुमेल तो बनिया है, ये वाले मैं तुहानू दस के गई थी लास्ट विच कि तुहानू बहुत अर्थक इस तरह भी आ सकते हैं, नाम प्लस नाम दे हो सकते हैं, नाम प्लस क्रिया विशेषण दे हो सकते हैं। ठीक है, सो चिड़िया भी नाम है ते घर भी नाम है, ईड़ी ऑप्शन। दुखी आत्मा समासी का शब्द समूह बनाओ, दुखा वाली आत्मा। ठीक है, डी ऑप्शन आना सी एदा, दुखा वाली आत्मा। नेक्स्ट 20th, केड़ा शब्द चार शब्द का बहु अर्थक नहीं है, उत्थे सही लिखा होया सी, तुहानू करवाया गया सी, उन्हों नहीं करना सी। ठीक है, पूरा ऑप्शन घूमना, क्योंकि चारना भी है ते ठगना भी है, प्यार होना भी है। ठीक है, सो ऊड़ा ऑप्शन घूमना। नेक्स्ट, इस बार झोने का डैश होने की उम्मीद नहीं, झोने का झाड़ होने की उम्मीद नहीं। ठीक है, ईड़ी ऑप्शन आना, वह झाड़ आना है। नेक्स्ट, गोल शब्द के बहु अर्थक वाला सही विकल्प चुनो, गोल शब्द का, डी ऑप्शन है यदा, अस्पष्ट गोल घेरे वाला खेड़ दा गोल। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चक शब्द का एक अर्थ है वड्डी चक्की, दूसरा दसो, यदा आना सी ऐड़ा ऑप्शन, एक संद ते दंदी। ठीक है, ये मुहावरे सी, गोंगलुआ तो डैश मुहावरा पूरा करो, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, ऐड़ा ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, काया पलट देनी मुहावरे दा अर्थ चुनो, काया पलट देनी मतलब नवा नरोया कर देना। ठीक है, पूरा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पाठ पुस्तक ना रिलेटेड बहुत ईजी सी ये वाला भी, पर उन्होंने जेडे पढ़ के आए ने। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जीवन काल केड़ा है, तुम बहुत बारी कर चुके हो श्री गुरु नानक देव जी का, फोर्थ तो तुम ऐसे करते आ रहे हो, उन्होंने जीवन काल लिखना सी, तुम सी ऑप्शन, 1469 to 1539। क्लियर है, श्री गुरु अमरदास जी का जन्म किथे होया, पिंड बसर के, उड़ा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरतुठे हर प्रभ मेलिया सब डैश कट विकार, किलविख, ये पोइम दे विच्चों दिया सी, सो एदा डी ऑप्शन, किलविख। नेक्स्ट, जित मुख सदा सलाइए भागा रति चार, सलाइए शब्द किस लिए वरत्या गया है, सिफ्त करन लई, सलाइए, सी ऑप्शन। असीं रोजाना जिंदगी दी मंडी विच केड़े सिक्के ते नोट चलांदे हां, लफ्ज़ां दे। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
किसका जीवन घरोगी प्यार तो सखना सी, कारलाइल दा, ठीक है, पपड़िया होया घर दा प्यार विच कि कारलाइल जिहड़ा सी अपनी पत्नी नाल बहुत ज्यादा प्यार नहीं सी करदा ते उहनूं घर दा प्यार नहीं सी मिलिया। नैक्सट, बोली दा खजाना मनुख कदों प्राप्त करना शुरू करता है, बचपन विच, ई ऑप्शन, ई उधरों दी सी, ठीक है। लोग बाल बच्चे ते पत्नी नाल जीवन बिताउण कित्थे जांदे ने, जनरल जिहा क्वेश्चन सीगा, तुसीं अपने पेरेंट्स नाल ते तुहाडे कित्थे जांदे हो तुसीं, होटल ते क्लबां विच, ठीक है, एड़ा ऑप्शन। नैक्सट, बूहे बुरे है उत्थे बूहे आना सी, बूहे बंद मकान की तरह कौन है, अणबोलिया मनुख, जिहड़ा मनुख बोल नहीं सकता, ई ऑप्शन। पहली विश्व जंग मगरों किन्ने दे छोले मुकदे ही नहीं सन, एड़ा ऑप्शन, तेले दे। नैक्सट, सुजान सिंह की किहड़े कहानी संग्रह नूं राष्ट्रीय पुरस्कार मिलिया है, पूरा ऑप्शन, शहर ते ग्रां, ठीक है। नैक्सट, लेखक ने अपने दोस्त साथी को किन्ने रुपए उधार ले, 3 रुपए, इड़ी ऑप्शन, राइट। किसने गुरु जी नूं अजमत वाला पीर कहा है, इड़ी ऑप्शन, अस्त खान। नैक्सट, जफरनामा एकांगी विचली घटना कदों वापरदी है, एड़ा ऑप्शन, 1706। नैक्सट, लास्ट, गुरु गोबिंद सिंह जी के हक विच केड़ा मुगल शहजादा बोलता सी, एड़ा सॉरी उड़ा ऑप्शन, मौसम, ठीक है। ये थानू करवाया होया सी, ये वाले भी सारे दे सारे एकांगी दे भी क्वेश्चंस काफी बने सन, सो उड़ा ऑप्शन, मौसम, ठीक है। सो सैट ए जिदा कोई ऑप्शन रह गया हो, अगर किसी नू कोई डाउट हो, सैट ए स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, अगर किसी दी ऑप्शन छुट गई हो तो मैंने पूछ लो, सैट ए डन। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1, किसी संगत नाल अहंकार दी अग खत्म हुंदी है, की लगाया हार्दिक तुसी, हाँ सच्चे गुरु दी सी, ठीक है। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1 सी। सेकंड, सतगुरु तो केड़ी दौलत हासिल हुंदी है, नो नाम दी दौलत, सतगुरु तो केड़ी दौलत हासिल हुंदी है, नाम दी दौलत, पूरा ऑप्शन। थर्ड, समदर्शी पुरख सुजान पुरख हुंदा है, वाक विच लकीरे शब्द विच केड़ा अगेतर है, केड़ा आएगा, गुड, एड़ा ऑप्शन, सम। किस ते दर्शन करके ते बचन सुन के दुनियावी पदार्थां दी लालसा खत्म हो जांदी है, सी, फोर्थ दा सी, ईडी ऑप्शन, सतगुरु जी दी। पैरे दा टुकमा सिरलेख चुनो, बी ऑप्शन, सतगुरु दी महिमा, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, एदे विच ही तुहानू बेटा काफी बच्चों नू कन्फ्यूजन सी क्योंकि एदा क्लीयर कट नहीं लिखा होया, तुहानू मैं पहला भी कहा सीगा कि कदी भी क्लीयर कट आंसर नहीं लिखा होएगा, तुसी हुण 6th, 7th, 8th विच नहीं हो, तुसी 10th क्लास विच हो, ठीक है। नादर शाह कौन सी, नहीं वो तुसी पहले वाली लाइन देख ली ना कि एशिया दे इतिहास दे प्रसिद्ध सेनापति नादर शाह ने, अगे देखो ना, नादर शाह ईरानी बादशाह सी, सी ऑप्शन आएगा, 6th दा सी ऑप्शन आएगा, ईरानी बादशाह। अगे पढ़ोगे जो तुसी पहला ना पैरा पूरा ध्यान नाल पढ़िया करो, फिर ओदे आंसर दिया करो, ए नहीं होवे कि पहली लाइन पढ़ ली तो पहला ही ओदा आंसर होएगा, कभी भी नहीं होएगा बेटा, ठीक है। इत्थे देखो लास्ट थर्ड लाइन देखो, हार्दिक, उस इस समय ईरान वख वख कबीलों विच वंडिया होया सी, ठीक है, हुण पर हुण नादर दे रूप विच इक नवां सरदार पैदा हो गया, सो ईरानी बादशाह सी इह, लास्ट दे विच तुहानू इहदा आंसर मिलेगा, राइट, 6th दा सी ऑप्शन। नादर शाह नूं केड़ा जीवन चंगा नहीं सी लगदा, हां जी सी, आजड़ियां वाला, आजड़ी किस नूं कहिंदे हन, केड़ा, हां जी सी ऑप्शन, भेड़ां बकरियां चराउण वाला। भाजी मोड़ना बदला लेना, भाजी मोड़ना बदला लेना, पूरा ऑप्शन। नादर शाह की करन विच सफल हो गया, कबीलियां दा सरदार स्थापित करन विच, एड़ा ऑप्शन। नेक्स्ट, इस काव टुकड़ी विच किस विषय नूं लिया गया है जो इत्थे ही आया है, इत्थों ही डिठा जांदा,
ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 11 ਇਸ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ ਹਾਂਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 13 ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਰੀ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੈਕਸਟ ਡਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਡਿੱਠਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਮਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੋ ਓਟ ਆਸਰਾ ਓਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਸੋਲਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਯੈਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਮ ਇਸਕਾ ਕੰਮ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੂੜਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਮੈਮ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਯਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੰਮ ਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੋਲਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਰਦਿਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਦੋਨੋ ਨਾਉਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਚੁਣੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਈੜੀ ਡੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਡੋਲ ਸੁੱਟਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਕਾਬਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਨਾ ਬੀ ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਕਾਟ ਕਾਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਕਢਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥ ਚੁਣੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬਾਈਵੇਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੇੜੇ ਫੇਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਛਿੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਣੀ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਐੜਾ ਓ ਸੋਰੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਊੜਾ ਭੈੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਨੈਕਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ 16 ਸਤੰਬਰ 26 ਮਈ ਦਾ ਬੀ 16 ਸਤੰਬਰ 1574 ਐੜਾ
नानक तिमक उजले तित ए ना ओदे विचो लिया गया सीगा पोएटिकल ओदी लाइन आ सो काव्य रचना दे विचो दी लाइन लिखी गई नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार टाइम एदा सी आना सी। नेक्स्ट गुरु नानक देव जी ने केड़ी बाणी नहीं रची, केड़ी बाणी नहीं रची तुसी की लिखा ऑनलाइन स्टूडेंट्स केड़ी बाणी नहीं रची उन्होंने जाप साहिब डी ऑप्शन। नेक्स्ट परमात्मा अगे किस लिए अरदास कीती गई है फुल्लां ते गुनाह बख्शन लई ए ऑप्शन। परदेस यात्रा तो परतदे होए गुरु नानक देव जी कित्थे खलो गए खूह ते सी ऑप्शन। लेखक किसकी भुख पैदा करन लई कहिंदा है नो लफ्ज़ां दी सी। पहला आपां लफ्ज़ अपने वधिया तरीके नाल करांगे अपने शब्द अपने वकैदर दे विच वाधा करांगे फिर बाद च सानूं अकल आंदी है लफ्ज़ां दी सी ऑप्शन। प्रिंसीपल तेजा सिंह दा जन्म कित्थे होया अडियाला ठीक है ऐड़ा। आत्मा दा चित्र की है बोली सी। घर दे प्यार तो सखणे मनुख किहो जे हुंदे हन खिजू अते सड़ियल ऐड़ा ऑप्शन। शाहां दा मुंडा काके तो किन्ना कु वड्डा सी तीन कु साल ऊड़ा ऑप्शन। लेखक किसी दुकान तो छोले लियांदा सी मसद्दी राम सी ऑप्शन। केड़ी तंगी हवाला दी तंगी तो भी पैड़ी हुंदी है पैसे दी तंगी ऊड़ा ऑप्शन। कौन अजमत वाले पीर नाल जा रले सैद खान ते रमजान खान ऊड़ा ऑप्शन। किसने गुरु जी नूं आनंदपुर तो कढवाया वजीर खां सी ऑप्शन। लास्ट कित्थों दा बच्चा बच्चा मुगलां नूं दक्खण तो कढ़न लई अगे वधिया है नहीं महाराष्ट्र बी ऑप्शन। ठीक है जी सेट बी देख लो अगर किसी की कोई ऑप्शन किसी नूं कोई डाउट होवे जिस तरह प्रशांत नूं सी तो उहदा हो गया क्लीयर बिकॉज काम किरिया कोई समासी शब्द है ही नहीं नो डाउट वो दोनों सेम आ रहे ने। ठीक है और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन छुट गया होए किसी नूं कोई भी डाउट होए तो हुण क्लीयर कर लो नो डाउट सब दे हो गए क्लीयर। देखो ये थोड़ा सी पीरियोडिक टेस्ट ठीक है हाले थोड़ा टर्म वन आना है ओके सो साढ़े जोड़े बहुअर्थक रहेंगे आप 1 to 75 किते सीगे है ना हुण आप पूरे करने ने आई थिंक नियर अबाउट 110 ने तो आप 10-10 करके रोज करते जावे और अणडिठी काव टुकड़ी दे विच काफी गलतियां हुई ने आप अणडिठी काव टुकड़ी करते जावे ठीक है। कई बार काव टुकड़ी हो जाएगा कई बार हाँ जी हाँ थोड़े होने फ्री बोर्ड का नहीं हाले असी नवा सिलेबस थोड़ी शुरू करना इसे टर्म दे हाँ जी पहला तो थोड़े प्री बोर्ड उस तो बाद टर्म वन होगी टर्म वन भी तो यही होगी ना यही वाला सिलेबस ही होगा ना 40 मार्क्स और 10 मार्क्स जो थोड़े ने वो असैसमेंट दे होंगे मैं ताही तो पहला भी पीरियड के स्टार्टिंग से भी क्या सी कि तुहानू कुछ टॉपिक्स इतने जाणगे ओदे उत्ते तुसी बोलना है स्पीकिंग स्किल होगी थोड़ी इंटरनल असैसमेंट एक्टिविटी ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜੁੜਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 40+10 ਉਹ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਚਪਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜੁੜਨਗੇ ਸੋ ਇਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇ ਬੀ 10ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ 10ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 9 ਜਾਂ 8 ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਓ ਔਰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਮਨਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ 4 ਕੁਐਸਚਨ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਲਿਸਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇ ਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ पढ़ोगे तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा ईजी लगेगा नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा टफ लगना ठीक है। और दूसरी चीज कई ने क्या किया है सपोज इनू भी कर दिता सर्कल और इतने भी छोटा जहा डॉट लगा दिता सो मैं ड्रॉन कर दिता इन ठीक है।
जे थोड़ा सही भी होएगा तो तामी थोड़ा गलत है। मैं तुम्हें पहले ही दस्या सीगा कि दो नू ना चूज करियो, एक नू ही चूज करियो, ठीक है। और हुण तां मैनुअली चेकिंग सी, मे बी थोड़ी ओहदे विच कंप्यूटराइज चेकिंग हो गए, सो ये थोड़ा पूरे का पूरा सर्कल है, इनू पूरा फिल करना है, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। और कोई भी थोड़ा बार जिदा है ए चीज है इत्थे तक ना जावे, आही वाले सर्कल नू तुसी पूरा सर्कल करना है, क्लियर है। इन्हों चीजों का ध्यान रखो। और बहुत सारे बच्चों ने वाइटनर यूज किया है, वाइटनर अपनी फाइनल टर्म दे विच वाइटनर यूज ना करो, ठीक है। और कुछ बच्चे सेट सेट इस बार लिखा सी, वैसे एक दो ने सेट नहीं लिखा, पर अपना सेट भी लिख के जाओ, उपर पीरियोडिक टेस्ट भी पाओ, अपना सब्जेक्ट नेम भी लिख के जाओ, ठीक है। हर एक चीज को फिल करो, उस तो बाद विच हैंड ओवर करो, और पहला क्वेश्चन पेपर पढ़िया करो, उस तो बाद विच आंसर दिया करो। नहीं तो आंसर शीट मिलेगी ता ही है ना, एक बार अपना टोटल देख लियो। अच्छा एक बार कई दो तीन बच्चे ने की किया है, उन्होंने जिस तरह थोड़े 40 मार्क्स से ना, मे बी उन्होंने कोई मिस्टेक हो गई होवे, उन्होंने ना दो क्वेश्चन छोड़ दिए, उसने बिल्कुल भी ए बी सी डी कुछ भी नहीं भरया हुआ, सो वो भी मैं रोंग कर दिता, उत्ते पूरी लाइन ही लगाती, ठीक है। सो जो थोड़ा पेपर होंदा सी, तुहानू टीचर बार बार कहंदे सीगे कि बेटा एक बार अपना चैक कर लो कि कितने कोई क्वेश्चन छुट ना गया हो, ठीक है। ये तो हाडे भले लई सीगा, इन्नी काली विच ना करो। कुछ बच्चे इदां ने अद्धे घंटे विच ही पेपर करके बैठे हुए सीगे, ऐसा भी ना करो। क्वेश्चन पेपर ध्यान नाल पढ़ो, जिथे थानू डाउट होवे उत्थे ओह वाला क्वेश्चन फिलहाल छड़ दो, राइट, क्योंकि हुण तां तुसीं वाइटनर लगा लिया, बट टर्म वन च तुसीं वाइटनर नहीं लगाना, वो क्वेश्चन नूं छड़ दो। पर इन्ना ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन तुसीं बाद विच अटैम्प्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। कुछ बच्चों का मे बी इसे करके ही रह गया होवे, जां उन्हां नूं डाउट होवे, उन्होंने सोचा होना कि मैं बाद विच कर लवांगा, बट उन्हां दा रह गया, ठीक है। सो जिन्हां ते डाउट हुंदा उन्हां नूं पहला पेंसिल नाल सर्कल करया करो, फिर उन्हां नूं पेन दे नाल सर्कल करया करो, ठीक है।